ये तीन अभिनेता बॉलीवुड के सबसे बड़े ठरकी अभिनेता अपनी नौकरानी को भी बना चुके हैं हवस का शिकार। किसी फिल्म में अगर एक विलन नहीं हो तो फिर फिल्म बनाने का मकसद पूरा नहीं हो पाता है। बॉलीवुड में आपको कई ऐसे कलाकार मिल जाएंगे जो हर फिल्म में विलन के किरदार में ही नजर आते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये फिल्मों के विलन असल जिंदगी में भी एक विलन के ही काम करने लग जाए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन अभिनेताओं से जो बॉलीवुड के सबसे ठरकी अभिनेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी नौकरानी तक को अपने हवस का शिकार बना डाला। एक, ओम पुरी। ओम पुरी की पिछले साल रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। उनकी लाश उनके घर में पाई गई थी और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ओम पुरी की पत्नी ने ओम पुरी पर लिखी गई एक किताब में इस बात का खुलासा करते हुए सनसनी मचा दी थी कि ओम पुरी को युवावस्था में उनकी ननिहाल की एक नौकरानी से प्यार हो गया था। आपको बता दे, ओम पुरी अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते थे। दो, आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली ने अक्सर फिल्मों में एक विलन का किरदार निभाया है, लेकिन शायद फिल्म में विलन बनते बनते ये निजी जिंदगी का फर्क भी भूल गए। ये भी अपनी नौकरानी के प्यार में पड़कर बदनाम हो चुके हैं। आदित्य पंचोली की नौकरानी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी आदित्य पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कंगना खुलकर मीडिया के सामने आई और आदित्य पंचोली पर उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। तीन, शाइनी आहूजा। शाइनी आहूजा का किस्सा तो शायद सभी जानते हैं। इनके ऊपर इनकी एक अवयस्क नौकरानी ने बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया था और ये कई सालों तक जेल में भी रहे थे। इसी के चक्कर में इनका पूरा बॉलीवुड कैरियर भी बर्बाद हो गया था। इस साधारण काम के साथ मैंने एक महीने में 43,70,000 रुपए कमाए।